ये है पुष्पदीप संगीत संस्था के बच्चे। पहले इन्हें नृत्य शिक्षिका पुष्पा आर्य से संगीत और डांस की तालीम दिया करती थी, लेकिन कैंसर ने असमय उन्हें छीन लिया। यहाँ के बच्चों को तराशने का जो काम पुष्पा ने शुरू किया था, उसे उनके पति अशोक वर्मा ने आगे बढ़ाया। पुष्पा आर्य के निधन और लॉकडाउन के बाद हजारीबाग राजा बंगला स्थित यह पुष्पदीप संगीत संस्था सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए शुरू किया गया। यहाँ बच्चों को नृत्य प्रतीक और माही श्री द्वारा सिखाया जा रहा है। पहले दिन संस्था के दरवाजे पर मोहल्ला के लोगों के द्वारा गंदगी का अंबार देख संस्था के लोगों ने आपत्ति प्रकट की। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन की धजिया उड़ाते हुए लोगों के द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर सवाल उठाए गए। आज हम हजारीबाग के राजा बंगला में उपस्थित हैं और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी कोविड महामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यहाँ हम कैमरामैन से चाहेंगे सबसे पहले कि दिखाएं कि कितना गंदा है और यहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं उन पर कार्रवाई, यहाँ पर जो गंदगी फैलाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई उचित ढंग से होनी चाहिए। और ये दिखाना चाहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही के चलते यहाँ बीमारी होने की संभावना है, और यहाँ के लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या मजा रहा है और क्या होता है इस गंदगी से, आप लोगों को क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है इस यहाँ गंदगी की वजह से। क्या है, हम लोग को डर इस बात का है कि बच्चे हमारे जो हैं वो इन्फेक्टेड ना हो जाएं। अभी जो स्थिति है कोरोना की, उसमें हम लोग कितना भी चाहते हैं कि यहाँ पे सफाई रखें, अभी बच्चे आते हैं यहाँ क्लास करने, डांस क्लास करने के लिए, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में देख के तो यही डर लगता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगा। ये सफाई ज़रूरी है, अगर प्रशासन इस पर ध्यान ना देगी तो फिर परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया यहाँ आ करके ये देख करके और इसकी सफाई जल्द से जल्द करवाएं, ताकि इन बच्चों को थोड़ी सुविधा हो सके, इस पर ध्यान दिया जाए। यही आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस यही बोलना चाहते हैं कि बच्चे लोग डांस क्लास में आ रहे हैं, उन लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, जिसके कारण से गंदगी को सफाई किया जाए। हजारीबाग का ये प्रतिष्ठित पुष्पदीप संगीत संस्था है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और यहाँ पर नृत्य सीखने के लिए कोविड के नियमों को पालन करते हुए हम दिखाना ये चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे, अभी मैंने दिखाया आपको कि कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नियमतः बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको मैं क्लास का भी अंदर दिखाया था अभी, और मैं ये प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ की गंदगी पर विशेष ध्यान दें। मैं प्रदीप पाठक, आवाज़ दिल्ली हर सिटी टीवी।